हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी डिज़ाइन। प्रीवियस वीडियो में हमने ये फ्रंट ओपन फ्रिल वाली कुर्ती की कटिंग करी थी, सो आज की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और साथ ही साथ इसका ये जिपर भी अटैच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टाइलिश लॉन्ग मैक्सी ड्रेस की स्टिचिंग। तो मैंने ये सारे कटिंग पीस ले लिए हैं और साथ ही साथ इसका जो जिपर अटैच करना है वो भी ले लिया है। सबसे पहले हम बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए मैंने बॉटम पार्ट की जो फर्स्ट टॉप वाली लेयर है, जो हमारी बिल्कुल टॉप पार्ट के साथ अटैच होनी है, वो ले ली है और उसको यहाँ से दोनों तरफ से मैं सिल लूँगी। फ्रंट और बैक साइड का पार्ट जो है वो दोनों सिल के इस तरह से बंद कर लिया है। बंद करने के बाद इन सिलाई का आप सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद इसको आप ये बीच में से काट देंगे। ये इसलिए काट रहे हैं, ये हमारा फ्रंट ओपन रहेगा और जो सिलाई है इसके ये दोनों साइड की तरफ आएंगी। इसी तरीके से ही आपने पार्ट टू और पार्ट थ्री लेना है, उनको भी आपने पहले आप स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम पार्ट थ्री ले रहे हैं। पार्ट थ्री के साथ जो हमारी सबसे बॉटम वाली लेयर है, जो बिल्कुल ही एंकल पे आनी है, उसके साथ हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पीस भी फैब्रिक के अटैच करने हैं। उसको आप इस तरह से लेंगे और ये पहले आप एक साइड से स्टिच करेंगे। इसी तरीके से ही आप इसको फ्रंट साइड की फ्रिल के साथ भी स्टिच करेंगे। तो ये जो पीस है इसका एक साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा जो पीस है फैब्रिक का वो लेंगे, इसकी दूसरी तरफ स्टिच करेंगे और चारों तरफ से आप इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद अभी आप इसका सेंटर कर लेंगे। यहाँ भी इसका सेंटर आएगा सिलाई को आपस में मिलाते हुए इस तरह से, और यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम काट लेंगे। काटने के बाद ये नीचे वाला फैब्रिक भी आप काट लेंगे और उसके बाद इसका इस तरह से सिलाई के साथ सिलाई मिला के सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद आप इसको भी ऐसे फ्रंट की तरफ से काट देंगे। इसी तरीके से ही हमने सेकंड पार्ट की सिलाई करनी है। दोनों तरफ से इसको बंद करना है और इसी तरह से इसका सेंटर करके जो साइड हमने फ्रंट साइड पे रखनी है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे बॉटम पार्ट की तीनों जो लेयर्स हैं जो हमारी अटैच होनी है इस ड्रेस के साथ, और उनका सेंटर करके हमने इसको सेंटर से काट लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पीकू वाला फुट ले लें, जो भी आपकी मशीन में अगर ये फंक्शन है तो आप पीकू कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको बाहर से भी करवा सकते हो। तो पीकू वाला फुट लगाने के बाद तो अभी हम पहले फर्स्ट लेयर लेंगे बॉटम पार्ट की, और उसकी ऊपर वाली साइड जो है वो पीकू कर लेंगे। आपने ऊपर वाली साइड पूरी की पूरी आपने पीकू करनी है, फ्रंट और बैक साइड दोनों, और ये पूरी जो फ्रिल है आपने कंप्लीट करनी है। एक कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है और दूसरे कॉर्नर पे आपने इसको ख़त्म करना है। इसी तरह से ही आपने सेकंड फ्रिल है उसका भी टॉप वाला पार्ट जो है वो आपने पीकू कर लेना है, बॉटम पार्ट उसका नहीं करना। तो इसी तरीके से ही हमने थर्ड फ्रिल जो है, जो बिल्कुल एंकल पे है बॉटम पार्ट की, वो वाली भी पीकू करनी है। उसको हमने ऊपर से भी पीकू करना है और नीचे से भी पीकू करना है। उसके दोनों किनारे आपने पीकू करने हैं, क्योंकि हमने नीचे जो है वो सिलाई नहीं लगानी, वहाँ भी हमने पीकू ही करना है, इसीलिए आपने उसको दोनों तरफ से पीकू करना है। इसके नीचे हमने कोई और फ्रिल नहीं अटैच करनी। तो ये मेरे पास तीनों फ्रिल के पीकू मैंने कर लिए हैं। उसके बाद अभी हम इसकी प्लेट्स डालेंगे। ये छोटी छोटी जो प्लेट्स हैं हमने इनकी डालनी है और ये फैब्रिक को इकट्ठा करना है। फिर ऊपर वाली फ्रिल की जो विड्थ होगी उसके साथ हमने इसकी विड्थ को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आप वापस नॉर्मल फुट यूज़ करेंगे। नॉर्मल फुट आप मशीन का लगा लें और उसके बाद आप यहाँ पर सिलाई को बड़ा स्टेप करते हुए, जो सिलाई है उसको बहुत बड़ा स्टेप कर देना, जितना भी मैक्सिमम आप कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपने ऊपर सिलाई लगानी है। ये जो जहाँ पे हमने पीकू किया है उससे बिल्कुल आधा इंच का गैप रख के आपने ये सिलाई लगानी है,
और जितनी मोटी सिलाई लगाएंगे उतना ही आप इसको धागे को खींचने में कंफर्टेबल होंगे और इजीली आपकी प्लेट्स जो है वो डल जाएंगी। तो यहाँ पे ये गैदरिंग वाली प्लेट्स हम डाल रहे हैं। इस तरीके से आपने ये सिलाई लगाने के बाद धागे को आपने खींचना है। खींचने के बाद इस तरह से ये फैब्रिक जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और इसकी आप विड्थ जितनी आपकी ऊपर वाली फ्रिल की विड्थ होगी उसी के हिसाब से आप। तो ये मेरे पास जो है ये सेकंड नंबर की फ्रिल है जो मिडल में हमने अटैच करनी है। तो ये इसको मैंने इस तरह से इसकी विड्थ एडजस्ट करनी है। जो हमारी फर्स्ट फ्रिल है जो टॉप सबसे ऊपर वाली फ्रिल है उसके साथ हमने इसको अटैच करना है, तो मैं इसकी विड्थ उसी के हिसाब से रखूँगी। इस तरह से इसकी प्लेट्स हल्की हल्की आएंगी, बहुत ज़्यादा प्लेट्स यहाँ पे घनी प्लेट्स हमने नहीं डालनी, बहुत ही हल्की हल्की प्लेट्स हमने डालनी है। तो इस तरीके से आप धागा खींच के इसकी विड्थ एडजस्ट करेंगे और उसके बाद इस तरीके से ये पीकू वाली जो साइड है वो आप ऊपर रखेंगे और ऊपर वाली फ्रिल का जो बॉटम पार्ट है वो उसके नीचे रखेंगे और ये सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपने बहुत ही ध्यान से लगानी है। यहाँ पे जिस फ्रिल को आपने पीकू किया है वो वाली साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है और उसके ऊपर वाली जो फ्रिल होगी उसकी आपने बॉटम वाली साइड जो है उसके नीचे रखनी है और इस तरीके से आपने ये सिलाई लगानी है, तब भी ये जो फ्रिल हमारी ऊपर से पीकू वाली है वो दिखेगी। तो इस तरीके से ही आपने सिलाई लगानी है और बहुत ही हल्की हल्की प्लेट्स देनी है क्योंकि यहाँ पे इनकी विड्थ में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, हार्डली 10 और 15 इंच का गैप ही रहेगा। तो इसलिए आपने 10 और 15 इंच ही फैब्रिक जो है वो प्लेट्स में देना है, बाकी का आपने इसकी विड्थ के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये लीजिए मेरा बॉटम पार्ट जो है वो तैयार हो गया है। इसके बाद अभी हम इसके अपर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। अपर पार्ट की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले आप इसकी बैक साइड वाला पार्ट ले लें और उसकी लाइनिंग वाला फैब्रिक भी साथ में ही ले लें। यहाँ पे दोनों की रॉन्ग साइड जो है वो बाहर की तरफ रखें और राइट साइड जो फैब्रिक की है वो अंदर की तरफ रखें और इस तरह से आप ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी नेक वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करके इसके साथ जो है अंदर को फिर फोल्ड करेंगे, वो वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। हमने सिंपल यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद आप इसके अंदर ये हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस लाइनिंग को आप टर्न करेंगे बाहर की तरफ और उसके बाद यहाँ पे इसकी एजेस पे आप दोबारा से एक और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे 0.2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा मार्जिन रखते हुए ये सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से इसका बैक साइड वाला नेक जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और फ्रंट साइड का जो नेक है वो भी तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने फ्रंट साइड दो पार्ट में है, पहले आप एक साइड ले लें और इसका भी दोनों के रॉन्ग साइड जो है वो बाहर की तरफ रखें और राइट साइड फैब्रिक के अंदर की तरफ रख के इस तरह से एजेस के ऊपर आप सिलाई लगा लें। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका भी नेक ही तैयार करेंगे। सेम तरीके से आपने इसकी दूसरी साइड वाली भी सिलाई लगानी है और उसके बाद ये फैब्रिक को आपने टर्न कर देना है अंदर की तरफ और उसके बाद इसके ऊपर भी आपने ये हल्का हल्का मार्जिन देके सिलाई लगानी है और ये फ्रंट साइड का नेक जो है वो भी तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से ये दोनों नेक जो है तैयार हो गए हैं। उसके बाद अभी हम इसकी शोल्डर वाली सिलाई लगाएंगे जो कि तीरे वाली सिलाई है। तो यहाँ पे शोल्डर वाली सिलाई इस तरीके से लगाएंगे, दोनों बैक और फ्रंट साइड जो है एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से आप इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग देने के लिए और शोल्डर की सिलाई को पक्का करने के लिए, क्योंकि हमारी ये ड्रेस काफ़ी लंबी है और इसका वेट हो सकता है, इसलिए हमने शोल्डर की सिलाई जो है वो काफ़ी अच्छे से लगानी है। दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ अटैच करने के बाद अभी हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई भी लगा लेंगे। ये जिस तरीके से आपने जो मार्क किया है उसी के ऊपर ही आपने ये फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। सेम तरीके से आपने इसकी दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद तीनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, दोनों फ्रंट और एक बैक साइड का। तो अभी हम इसके साथ बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। यहाँ पे बॉटम पार्ट ले लें और उसकी जो टॉप वाली फ्रिल है 14 नंबर 1 जिसकी सबसे कम विड्थ है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। उसको अटैच करने के लिए उसका पीकू वाला पार्ट आप इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और हार्डली 1/2 इंच का जो है फैब्रिक वो इसका आप इसके नीचे रखेंगे और इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी आपने ये जो सिलाई है बहुत ज़्यादा पीकू वाली सिलाई के साथ नहीं लगानी,
आपने भी कम से कम हाफ इंच का मार्जिन रखना है। और टोटल फैब्रिक एक इंच हम इसके नीचे रखेंगे और आधे इंच पे ये सिलाई लगेगी और आधा इंच इसके नीचे जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो उसी के हिसाब से ही आपने बॉटम वाले पार्ट की विड्थ एडजस्ट करनी है। तो ये हमारा जो है टॉप और बॉटम जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गया और अभी हमारी ऑलमोस्ट कुर्ती जो है वो तैयार हो गई है। उसके बाद अभी हम इसकी आर्म्स अटैच करेंगे। आर्म्स अटैच करने के लिए आप आर्म्स जो है अपने हिसाब से जिस तरीके की आर्म्स आप इसके साथ लगाना चाहते हैं उसको रेडी कर लीजिए। मैंने बहुत ही सिंपल आर्म्स लगाई हैं और उसको मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद अभी इसको हम यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ भी आर्म्स और जो कुर्ती का फ्रंट साइड पे हमने हल्का हल्का डीप कट दिया है अच्छी फिटिंग के लिए। और ये जो है इस तरीके से आपने आर्म जो है इसके साथ अटैच करनी है। सेम प्रोसीजर से आपने दूसरी साइड की आर्म्स भी इसके साथ अटैच करनी है। तो हमारी कुर्ती की दोनों आर्म्स जो है वो अटैच हो गई है। इसके बाद अभी हमारे पास लास्ट स्टेप जो है वो है इसकी ज़िप इसके साथ अटैच करना। यहाँ पे आप जितनी ज़िप अटैच करना चाहते हो उतनी ज़िप रख के बाकी एक्स्ट्रा जो है वो आप काट सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं पूरी ज़िप अटैच करूँगी। पूरी ज़िप अटैच करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पर हमने इसको फोल्ड नहीं किया फैब्रिक को, उसको आप हल्का हल्का फोल्ड करके ये पूरी सिलाई लगा लें। यहाँ से आपने इसको नेक से फोल्ड करना स्टार्ट करना है। ऊपर से जो हमारा नेक का वी शेप है वहाँ से आपने फोल्ड करना स्टार्ट करना है और नीचे बॉटम तक आपने जो है हमारी एंकल तक इसकी लेंथ आएगी, एंकल तक आपने इसको फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से ही आपने इसकी दूसरी साइड भी फोल्ड करनी है और ये बहुत ही बारीक बारीक आपने फोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा एक्सेस में फैब्रिक आपने इसके अंदर नहीं देना, अदरवाइज़ आपकी ये कुर्ती जो है वो टाइट हो जाएगी आपकी फ़िटिंग के हिसाब से। अगर आपने बहुत ज़्यादा फैब्रिक इसके अंदर देना है तो फिर आपको फिटिंग में भी थोड़ा सा मार्जिन और रखना पड़ेगा। इसी तरीके से ही आपने दूसरी साइड की भी सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद अभी हमारी ये इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई है। ये एकदम स्ट्रेट सिलाई लगी है और अभी यहाँ पर हमें इसको ज़िप अटैच करना बहुत ही आसान हो जाएगा। खाली आपने ज़िप इसके ऊपर रखनी है और उसके साथ साथ एजेस पे आपने सिलाई लगा लेनी है। तो अभी आप इसकी ज़िप ले लीजिए और उसको आप इसके ऊपर रख लीजिए। आप मार्क कर लीजिए कहाँ तक आपने ये ज़िप जो है वो लगानी है। तो यहाँ पे मैं पूरी की पूरी ज़िप ही अटैच कर रही हूँ। ये फर्स्ट लेयर की सेंटर तक आएगी। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर ज़िप रखूँगी और ये सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने फुट चेंज किया है। ये फुट जो है मैंने पाइपिंग वाला फुट यहाँ पे लगाया है जिससे हम पाइपिंग कर लगाते हैं या फिर ज़िपर वाला फुट जो होता है वो लगाया है। और उसके बाद यहाँ पे ये सिलाई लगाना हमें आसान हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ही आपने सिलाई लगानी है और ये ज़िप जो है इसके साथ अटैच करनी है। सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है और दूसरी तरफ की सिलाई भी आपने लगा देनी है और ये ज़िप इस कुर्ती के साथ अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे से आप अच्छे से इसकी जो सिलाई है पक्की कर ले तो कि हमारी ज़िप जो है वो निकले ना। जब आप दूसरी तरफ इस कुर्ती के ज़िप लगाएंगे तो ज़िप को आप बंद कर लीजिए तो कि हमारी जो है बिल्कुल स्ट्रेट और एक दूसरे की इक्वली ज़िप लगेगी। तो ये लीजिए हमारी कुर्ती जो है वो बन के तैयार हो गई है और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत ही सिंपल है बनाना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है और पहनने में बहुत ही स्मार्ट लगती है और बिल्कुल ट्रेंडी भी है। सो गाइज आप इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिए और इसकी फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस कीजिए लाइक बटन। अगर आपको कोई कमेंट और सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऐसी मेरी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय, टेक केयर।